मुझे भी कई तरह के आरोपों को झेलना पड़ रहा है कि देशद्रोही हैं, हिंदू विरोधी हैं, सेना विरोधी हैं, बिना सबूत के। अगर हम अपराधी हैं तो जेल में डाल दीजिए। अक्सर हमारे ऊपर एक सवाल पूछते हैं कि पब्लिक मनी बर्बाद कर रहे हैं, बताइए। झूठ के आधार पे, परसेप्शन के आधार पे, प्रोपगंडा के आधार पे पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, और आपके पॉलिटिक्स के चलते जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसमें पब्लिक मनी पे, बताइए ना, इतना ही को जो है, इतना कांस्टेबल को हमारी सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है, जितना पैसा हमारे एजुकेशन पे खर्च नहीं हुआ है उससे ज्यादा पैसा स्टेट का हमारे सिक्योरिटी पे खर्च हो गया है। तो कौन ये परसेप्शन का पॉलिटिक्स कर रहा है? परसेप्शन का पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि वो आपकी आंख में परसेप्शन झोंकने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप परसेप्शन को परसेप्शन से काटने की बजाय परसेप्शन को रियलिटी से काटने की कोशिश कीजिए। रियलिटी आखिर रियलिटी होती है। दिन कैसा भी हो बीत जाता है, समय कैसा भी हो गुजर जाता है, नशा कैसा भी हो उतर जाता है, ये नशा भी उतर जाएगा। और इस देश के लिए जो सबसे जरूरी है डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी को समझने का, आत्मसात करने का जो सबसे मजबूत सेक्शन कह लीजिए सोसाइटी का, वो यूथ है। और यूथ आज अपने लेवल पे, भले वो पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक होने का जो प्रोसेस है उसका वो हिस्सा नहीं हो, लेकिन अपने लेवल पे वो डेमोक्रेटिक होने का कोशिश कर रहा है। मैं ईमानदारी से एक बात आप तमाम लोगों के सामने कन्फेस करना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, लेकिन जब इंजीनियर बनने के लिए आए घर से बाहर, तब तक इंजीनियरिंग का मार्केट खराब हो गया था। अब इंजीनियरिंग का मार्केट खराब हो गया था और माँ बाप चाहते थे कि इंजीनियर बन जाएं, तो हमारे सामने ये चैलेंज था कि क्या करें। तो हम एसी फ्रिज ठीक करने का डिप्लोमा करना शुरू कर दिए आईटीआई कॉलेज में, और हमको लगा कि गल्फ में भारत के मजदूरों का बहुत डिमांड है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत काबिल हैं, ऐसा इसलिए है कि हम लोग सस्ता में काम कर देते हैं, हम लोग चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं। बड़े पैमाने पे लोग जो है दोहा, कतर, दुबई, कुवैत जाते थे। हमको लगा कि हम भी चले जाएंगे। अब कल्चरल क्वेश्चन जो है यहाँ पे कैसे आता है? अगर हमारे माँ बाप या हमारा कल्चरल बैकग्राउंड इस तरीके से होता कि जिंदगी में पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना कमाना है जितना में हम एक पीसफुल लाइफ सर्वाइव कर सकें, अगर ये अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद एसी फ्रिज ठीक करने के लिए नहीं जाते। लेकिन ये नहीं था। बचपन से दिमाग में ये बिठा दिया गया था कि एन केन प्रकारेन, किसी भी मेथड से यदि आप पैसा इकट्ठा कर लिए हैं तो आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास अच्छा घर होगा, चढ़ने के लिए अच्छी गाड़ी होगी, दिखाने के लिए अच्छी बीबी होगी। इसी तरीके से हमको हमारा कंडीशनिंग किया जाता है। एसी फ्रिज ठीक करते रहे, ठीक करते करते दिमाग में एक ख्याल आया, पैसा तो कमा लेंगे लेकिन लोग जब पार्टियों में पूछेंगे कि करते क्या हो, तो कहना तो यही पड़ेगा कि एसी फ्रिज ठीक करते हैं। और उस वक्त यह बात समझ में नहीं आती थी कि जॉब तो जॉब होता है, काम चाहे डॉक्टर का हो या स्वीपर का हो, काम सब बराबर होता है और समाज के लिए सभी काम जरूरी हैं। यह बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि इसका कंडीशनिंग भी सोसाइटी करता है। सोसाइटी इस तरीके से आपको तैयार करता है कि सब काम बराबर नहीं होता है। डॉक्टर का काम इम्पॉर्टेंट है और स्वीपर का काम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंजीनियर का काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन मैकेनिक का काम इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो पार्सल बॉय होते हैं, जो वेंडर होते हैं, उनका काम इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन सीईओ का काम इम्पॉर्टेंट है। यह जो क्लासिफिकेशन हमारे दिमाग में होता है उसके हिसाब से लगा कि नहीं, रुतबा वाला काम करना चाहिए। देन आई टॉक टू माई फादर एंड आई सेड, आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर मी, आई एम अनेबल टू बी एन इंजीनियर, तो इसलिए मैं एसी फ्रिज ठीक करने लगा हूँ और मुझे लगता है कि ये काम भी ठीक नहीं है। If you will support me, I will try to qualify in UPSC exam. So I came to Delhi for the UPSC. अब UPSC होने का अपना मजा है, मतलब कि इतने पुलिस के लोग यहाँ खड़े हैं। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कर्नाटका की पुलिस को।
लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा जो पुलिस महकमा होता है वो कैसे काम करता है। मेहनत एक कांस्टेबल भी करता है, मेहनत SHO भी करता है, लेकिन रुतबा तो DCP साहब का होता है ना, DGP साहब का होता है ना। तो लगा कि UPSC कर लिया जाए। UPSC की तैयारी के दौरान यह बात समझ में आई काफ़ी दिनों के बाद कि हम एक अंधी रेस में शामिल हो गए हैं। एक्चुअली मुझे UPSC भी नहीं करना है। बचपन से ही आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, जो एकेडमिक फील्ड था वो पसंद था। फाइनली भटकते भटकते जो है JNU पहुंच गए। अब आप बताइए कि मैं अगर आज यहाँ बतौर लीडर, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ खड़ा हूँ, तो क्या इसमें मेरा कोई हाथ है, मेरा कोई रोल है? तब जा करके आप इस देश के यूथ से पूछते हैं कि वो पॉलिटिकल क्यों नहीं है, कैसे होगा वो पॉलिटिकल, कैसे वो पॉलिटिकल डिसीजन लेगा, कैसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को समझेगा, कैसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके भीतर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगा। और जब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होगा ही नहीं, तब जब हम वोट करने के लिए जाएंगे तो क्यों नहीं हम मोदी मोदी करेंगे, बताइए क्यों नहीं करेंगे? जब हम पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास को देखेंगे तो हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं, हमको सबसे ज्यादा सुटेबल आदमी जो है वो नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली क्रिटिकली समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान आज इस मोड़ पर आ करके कैसे खड़ा हो गया है, कैसे उस व्यक्ति को जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर है, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस देश के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, जिस ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर कॉमरेड काकिलैया जैसे लोग हैं, उस संगठन को और उस संगठन में काम करने वाले लोगों को कैसे देशद्रोही कहा जा रहा है? इसके लिए कोई और नहीं, हम और हमारा पहले का जनरेशन रेस्पॉन्सिबल है। आप ये देखिए कि जिनके पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था, उन्होंने भी ये कोशिश नहीं की कि उनका बच्चा भी पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस हो या उसको पॉलिटिकली कॉन्शियस किया जाए। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी भीड़ तैयार हो गई जिसको वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन वोट का मतलब क्या होता है ये उसको मालूम ही नहीं है। अगर ये मालूम होता तो लोग 500 रुपये लेकर के अपना वोट बेच देते, शराब की एक बोतल लेकर के अपना वोट बेच देते। और आप रिलीजन को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए, रिलीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप मुझे बताइए कि इस देश में कौन सी ऐसी बात है जो सबसे ज्यादा सेंस ऑफ एसोसिएशन क्रिएट करता है? रिलीजन के अलावे और ऐसी दूसरी कोई चीज नहीं बची है। जब कोई ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं बचा है, जब कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं बचा है, जब कोई यूथ मूवमेंट नहीं बचा है, और कास्ट को इरिडिकेट करने के नाम पे, एनहिलेट करने के नाम पे जो एंटी कास्ट मूवमेंट बना था वो तो खुद सबसे ज्यादा कास्टिस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि लोग कहां से सेंस ऑफ एसोसिएशन प्राप्त करेंगे? लोग सेंस ऑफ एसोसिएशन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वहीं से प्राप्त करेंगे। इसीलिए आज तमाम चीजों के ऊपर, आज अर्थशास्त्र के ऊपर धर्मशास्त्र भारी हो गया है। और ये कितना आसान है आप मुझे बता दीजिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे पता है कि इकोनॉमी की क्या हालत है, हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसका अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो सबसे आसान है ना हिंदू और मुसलमान कर देना, सबसे आसान है। इसीलिए मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि आज के जो यूथ हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को यदि प्रायोरिटाइज करने की वो कोशिश करें
उसका वो लिस्ट बनाने की कोशिश करें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले नंबर पे किसको रखें, जॉब को पहले नंबर पे रखें या रिलीजन को पहले नंबर पर रखें, पीसफुल लाइफ को पहले नंबर पर रखें या रिलीजियस प्राइड को पहले नंबर पर रखें, इसको वो तय नहीं कर पा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि ज्यों ज्यों इकोनॉमी श्रिंक कर रही है त्यों त्यों रिलीजियस सिंबोलिज्म के आधार पर कम्युनल पॉलिटिक्स इस देश में फ्लोरिश कर रहा है, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है और ये साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहा है। कहीं भी कोई भी जो एक क्लासिकल स्ट्रक्चर था वो क्लासिकल स्ट्रक्चर बचा ही नहीं है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, हर जगह एक तरीके का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। कहीं भी आपको कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं मिलेगी जहां 10,000 5,000 मजदूर आपको काम करते हुए मिलेंगे। कहीं भी कोई ऐसा आपको स्कूल या कॉलेज नहीं मिलेगा जहां 10,000 5,000 स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन हो रहा है और जोमेटो से लोग खाना मंगवा रहे हैं, बताइए यूनियन कहां तैयार करेंगे। जो ले दे करके कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज बची है, उन पब्लिक यूनिवर्सिटीज को लगातार फंड कटौती करके, फंड कट करके आज डिसमेंटल किया जा रहा है। और लगातार जो एंटी पब्लिक एजुकेशन मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं वो ये प्रोपगेट करते हैं कि सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों से देशद्रोही पैदा होते हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि किसी भी आइडेंटिटी के आधार पे, चाहे वो मजदूर हो, महिला हो, किसान हो, विद्यार्थी हो या नौजवान हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इस आधार पे कोई पीपल्स मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। और जहां कहीं पीपल्स मूवमेंट बनने की संभावना होती है, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को दूसरे मार्जिनलाइज्ड मूवमेंट के अगेंस्ट में जाकर के खड़ा कर दिया जाता है। जैसे अभी मैं पटना का एक एग्जांपल आपको देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर काम करते हैं लगभग पूरे देश में, परमानेंट जॉब ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में खत्म हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका सीवियर एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उनके पास कोई सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन प्लान नहीं है, बच्चों के लिए कोई हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जो वो मजदूर हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो किसी भी सेक्टर के मजदूर हों, जब वो रोड पे उतरते हैं तो बाकी सोसाइटी के लोगों के बीच में ये मैसेज स्प्रेड किया जाता है कि स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं और इनको वेतन चाहिए 50,000। कोई सेंस ऑफ एसोसिएशन ही नहीं बचा है। किसान का आंदोलन हो रहा है उसमें मजदूर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, मजदूर का आंदोलन हो रहा है उसमें किसान पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, महिला का आंदोलन हो रहा है उसमें दूसरे कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और दूसरे कम्युनिटी का जब आंदोलन हो रहा है तो उसमें महिला नहीं जा रही है। अगर आप अलग अलग फ्रंट पे काम करने वाले लोग हैं तो आपको ये प्रॉब्लम साफ साफ नजर आएगा। ऐसा जब पॉलिटिकल सिचुएशन समाज में हो, स्वाभाविक रूप से इसका एक असर इस सोसाइटी के यूथ पर भी पड़ेगा। जब कोई प्रोसेस नहीं बचा हो जहां लोगों को पॉलिटिसाइज किया जाए, जहां यूथ को यह बताया जाए कि आप यूथ कैसे हैं, यूथ होने का मतलब क्या होता है, यूथ के सामने चैलेंजेज क्या हैं, यूथ को ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए और यूथ का डिमांड प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होना चाहिए, वैसे सिचुएशन में स्वाभाविक रूप से जो प्रोपेगेंडा है उस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके एक अनकॉन्शियस भीड़, एक क्राउड तैयार किया जाएगा, जिस क्राउड को कभी देश के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संस्कृति, भाषा और बोली के नाम पर सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। और यह जो अनकॉन्शियस क्राउड है, यह क्राउड कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उसके सामने ये सेंस ही नहीं बचा है कि देश का मतलब क्या होता है। देश अपने आप में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें देश और देश के लोगों को आपस में अलग कर दिया जाए।
देश आखिर देश के लोगों से ही बनता है ना। अगर आप देशभक्त हैं इसका मतलब आप देश के लोगों के सवाल को उठाएंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि जो देश के लोगों के सवाल को उठा रहा है उसको देशद्रोही और उसके सवालों को गुमराह करने के लिए एक ऐसी भीड़ तैयार की जा रही है जो उसके ही राइट को लेकर लड़ने वाले लोग हैं उसके खिलाफ उसको खड़ा किया जा रहा है। अब आप सोच करके देखिए, रोज बरोज एक नई पॉलिसी सरकार के द्वारा हमारे सामने लाई जाती है और उस पर जो यंग जनरेशन है उसका रिएक्शन क्या होता है। आज हरियाणा के सीएम ने कहा कि अब हरियाणा के लड़के कश्मीर से लड़की ला पाएंगे। कितना मज़ेदार है सोचिए, अपनी लड़की को पेट में मार देंगे और अपने लड़कों के लिए लड़की कश्मीर से लेकर के आएंगे। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या होती है, पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है। और उस स्टेट में जब आप घूमेंगे तो हर दीवार पे, हर ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा रहता है। और वहाँ पे जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो देश में सबसे ज़्यादा खराब है। और उस देश के सीएम ये कह रहे हैं कि लड़की कश्मीर से लग के आएंगे। हमारे राज्य बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि अब बिहारियों को कश्मीर में काम मिलेगा। बताइए, इनको देख करके शर्म शर्मा जाएगा? अगर इनको देख ले शर्म तो रास्ता बदल ले इनको देख करके। आप किसी स्टेट के डिप्टी सीएम हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्टेट के यूथ माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में ना काम करने के लिए जाएं, ऐसा वर्किंग कंडीशन आप पैदा कर सकें। कैसे सवालों को डाइवर्ट किया जा रहा है और यूथ यूथ प्रोपेगेंडा का शिकार है, टिकटॉक वीडियो बना रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम तमाम तरीके की चीजें हैं। कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है, हर चीज का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रहा है, फिर भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन के मूल सवाल क्या हैं। मेरे जीवन का मूल सवाल ये है कि जब मैं पैदा हुआ, कुछ दिनों के बाद जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैं कौन सा कैरियर चुनूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, ये मेरे माँ बाप के सपनों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मैं तय करूं कि मुझे कौन सा कैरियर चुनना है और उस कैरियर में अगर हमने क्वालिटी अपने भीतर पैदा की है, मान लीजिए कि मैंने ये कैरियर चुना कि मैं गिटार बजाऊंगा, अगर मैं एक अच्छा गिटारिस्ट बन गया हूं तो मुझे बतौर गिटारिस्ट सोशल एक्सेप्टेंस मिले। हर कोई हर काम तो नहीं करता है, यहां जो आप सब लोग बैठे हुए हैं आप में से किसी ने भी मोबाइल नहीं बनाया होगा, मोबाइल को तो कोई और बना रहा है, लेकिन आप भी तो कुछ कर रहे होंगे। किसान अनाज पैदा करता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग टूल बनाता है, मजदूर मजदूरी करता है, सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई खाना पहुंचाता है, कोई खाना उगाता है, इसी तरह से तो सोसाइटी चलती है। लेकिन कौन क्या करेगा ये चुनने का अधिकार उसको नहीं है। पढ़ लिख लेने के बाद, मान लीजिए कि हम इंजीनियर बने हैं, इंजीनियर बनने के बाद हम घर घर घूम करके एक्वा गार्ड क्यों बेचेंगे? अगर एक्वा गार्ड ही बेचना है तो फिर इंजीनियर बनने की क्या जरूरत है, हमको समझा दीजिए। अगर मुझे एक्वा गार्ड बेचना है तो मैं इंजीनियरिंग क्यों करूंगा? और अगर मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे एक्वा गार्ड क्यों बेचना पड़ेगा? ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को प्रोपेगेंडा के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि सिटीजनशिप क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटोरियन स्टेट नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो बात सही होगी, ये डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो माइनॉरिटी व्यूज हैं, जो कम लोग हैं, जो उनका आइडेंटिटी है, जो उनका एक्सप्रेशन है,
उसको भी स्पेस मिलेगा, ये डेमोक्रेटिक होने का मतलब होता है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सरकार का काम यदि कानून पास करना है तो विपक्ष का काम उस कानून का विरोध करना है। ये कैसे हो गया इस देश में कि सरकार के किसी भी पॉलिसी का अगर अपोजिशन विरोध करती है तो उसको इमीडिएटली पाकिस्तानी कह दिया जाता है। बताइए, एमपी बने हैं हिंदुस्तान में, वोट दिए हैं हिंदुस्तान में, बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में और सरकार का विरोध करने के लिए ही वहां पे बैठे हुए हैं, चुने हुए विपक्ष हैं, देश के लोगों ने वोट दे करके विपक्ष के रूप में चुना है और तब यदि सरकार की आलोचना करें तो पाकिस्तानी कह दिया जाता है। इस तरीके का पिक्चर, इस तरीके का मीम बनाया जाता है कि सरकार के समर्थक कहते हैं कि पाकिस्तान भी दुखी है 370 हटने से और भारत का विपक्ष भी दुखी है। आप कैसा लोकतांत्रिक प्रोसेस तैयार कर रहे हैं? कभी आप भी तो विपक्ष में बैठेंगे और कभी आप भी विपक्ष में थे। मान लीजिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यही परिपाटी बन जाए, तब तो डेमोक्रेसी तो बचेगी ही नहीं, तब तो अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद जो है यहां पे डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटोरियल जो है एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा। जो लोग देशभक्ति के नाम पे सरकार की अंधभक्ति कर रहे हैं, दरअसल वो चाहे अनचाहे देश विरोधी काम कर रहे हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। अगर आपको देश से प्यार है तो आप कमजोर से सवाल मत पूछिए, ताकतवर से सवाल पूछिए। डेमोक्रेटिक होने का मतलब विपक्ष से सवाल पूछना नहीं होता है, डेमोक्रेटिक होने का मतलब सरकार से सवाल पूछना होता है। अगर देश के लोग, देश की मेजोरिटी विपक्ष के पास होती तब वो विपक्ष में क्यों होता? तब तो उसकी सरकार होती ना। आपको लोगों ने समर्थन किया है, लोगों ने ऑलरेडी उनको वोट दे दिया है, वोट देने के बाद अब उनकी भक्ति करना बंद कर दीजिए, उनसे सवाल पूछना शुरू कीजिए। लेकिन यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस सबसे पहले हमको कहाँ सिखाया जाएगा? यह प्रोसेस सबसे पहले हमको हमारे घर में सिखाया जाएगा ना, हमारी फैमिली में सिखाया जाएगा ना, फैमिली के बाद हमको हमारी सोसाइटी में सिखाया जाएगा ना, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमको बताया जाएगा ना, हमारे ऑफिस में हमको सिखाया जाएगा ना। और आप हमको बता दीजिए कितने लोग अपने घर में डेमोक्रेटिक हैं, कितने लोग अपने ऑफिस में डेमोक्रेटिक हैं, कितने लोग जब बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, मेट्रो में चलते हैं, सड़कों पे चलते हैं तो डेमोक्रेटिक बिहेवियर करते हैं? आप ही डेमोक्रेटिक नहीं हैं और चाहते हैं कि यूथ डेमोक्रेटिक हो जाए, कैसे हो जाएगा? बाप से सवाल पूछने का अधिकार यदि बेटा को नहीं है, पति से सवाल पूछने का अधिकार यदि पत्नी को नहीं है, भाई से सवाल पूछने का अधिकार यदि बहन को नहीं है और पड़ोसी से सवाल पूछने का अधिकार यदि पड़ोसी को नहीं है, जब सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है तो स्टेट कैसे डेमोक्रेटिक हो जाएगा? खूब अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दीजिए, अच्छी अच्छी बातें उसमें लिख दीजिए, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, सब लिख दीजिए, ये सब किताबी बातें होंगी, किताब में ही लिखा रह जाएगा। और मैंने अपना उदाहरण आपको इसलिए प्रस्तुत किया कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं है, इस देश के हजारों, लाखों, करोड़ों नौजवान के साथ यही हुआ है कि उसके जीवन में क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है। और जीवन भर अगर वो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस और बिहेवियर का शिकार रहा है तो जब वो पोजीशन में आएगा तो वो कैसे डेमोक्रेटिक बन जाएगा? इस बात को हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इस लिहाज से मैं आपको कहता हूं कि आज का यूथ मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार है, आज का यूथ प्रोपेगेंडा का शिकार है, आज का यूथ अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस और बिहेवियर का शिकार है, लेकिन आज के यूथ के पास इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी है, आज के यूथ के सर्वाइवल के लिए
डेमोक्रेसी के अलावे और दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और आज का यूथ रैशनल और लॉजिकल भी बन सकता है अगर उस प्रोसेस आने के लिए तैयार हो तब। इसीलिए इस हाउस में मैं ये प्रपोज करना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। होपलेस इसलिए नहीं होना है कि आज जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है इसके लिए पास्ट रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, और आज जो हम बिहेव करेंगे उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। इसलिए मैं तो कई बार भाजपा को और इस सरकार को मन ही मन बधाई देता हूं। वो इसलिए कि भाजपा यदि नहीं आती तो इस देश में सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या होता है वो हमारे जनरेशन को पता नहीं चल पाता। भाजपा यदि नहीं आती तो क्यों भारत जैसे देश के लिए जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसमें डेमोक्रेसी का क्या वैल्यू है ये लोगों को समझ में नहीं आ पाता। भाजपा यदि नहीं आती तो इस देश में बहुत सारे सवाल आज भी पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं बन पाते। कम से कम इस दबाव में ही सही लोग अब राजे राजवारे दिखाने वाले, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले और कभी जनता के बीच नहीं जाने वाले नेताओं का हकीकत तो जानने लगे हैं ना, वरना ऐसे कैसे हुआ आप मुझे बता दीजिए कि इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद एक बार के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी हारी और अगली बार थंबिंग मेजोरिटी से वो जीत करके आ गई, कैसे ऐसे संभव हुआ? असल बात यह है कि जब तक सोशल इंस्टीट्यूट्स डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, जब तक फैमिली के अंदर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस और बिहेवियर को इंश्योर नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको हम डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, वहां हम साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, रैशनैलिटी, इन तमाम चीज़ों को स्प्रेड नहीं करेंगे, तब तक एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जो इक्वलिटी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म में बिहेव करता हो ऐसी सोसाइटी और स्टेट का निर्माण करने में ऐसे प्रॉब्लम आते रहेंगे। इसीलिए होपलेस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकली एक बात सोच करके हमको बताइए कि हम कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, फिर भी यह जो बाहर बारिश हो रही है ये नहीं रुकेगी, रुकेगी ना, एक दिन बारिश रुक जाएगी, ठंडा आ जाएगा, फिर ठंडा भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी नहीं रहेगा, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा भी हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझते हैं तो हमको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो आज हो रहा है उसके लिए पास्ट रिस्पॉन्सिबल है, और आज जो हम करेंगे उससे ही हमारा फ्यूचर सेफ लेगा, उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। और इस बात से मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 90 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं असल में वो इस दौर में पैदा हुए हैं जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस वक्त की जो जनरेशन ने एक फास्ट हिस्टोरिकल प्रोसेस को होते हुए देखा, चेंज को होते हुए देखा, वो विटनेस करने का मौका हम लोगों को मिला है कि 90 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग होते हुए देखे। जो एक वेलफेयर स्टेट था, उस वेलफेयर स्टेट की जो कमी कमजोरी थी, वेलफेयर स्टेट को जो करने वाले लोग थे, वेलफेयर के नाम पे किस तरीके से समाज का वेलफेयर करने की बजाय उन्होंने अपने अपने परिवार का वेलफेयर किया, इस तरीके का पॉलिटिकल क्लास पैदा हुआ। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के चलते बड़ी बड़ी मशीनों की जगह हाथ में छोटे छोटे मोबाइल और छोटा छोटा कंप्यूटर बन करके तैयार हो गया। कल्चरल जो चेंजेज हुए वो और ज़्यादा तेज हो गया, क्योंकि अमेरिका में लोग कैसे खाते हैं या आप अमेरिका जाए बिना मंगलुरु में बैठ करके देख सकते हैं, तभी तो आप KFC का चिकन खा रहे हैं। चिकन तो आप पहले भी खा रहे थे, मुगलई चिकन होता था, उसमें मुर्ग मसल्लम होता था, लेकिन अभी आप जो है बास्केट चिकन खाते हैं, अभी एक नया तरह का चिकन है। तो एक कल्चरल एक्सचेंज का प्रोसेस अपने आप में तेज हुआ है। बिहार में कोई घटना घटी है, इमीडिएटली जो है उसका खबर बेंगलोर पहुंच जाता है और बेंगलोर की खबर की घटना तुरंत बिहार पहुंच जाती है। तो हम लोग एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं
जहां चेंजेज को हम लोग बहुत रैपिडली होते हुए देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस चेंज में हमारी जो भूमिका है वो ये है कि हमारा जो हिस्टोरिकल रूट है उस हिस्टोरिकल रूट को हम पकड़ करके रखें, और उस हिस्टोरिकल रूट में हमारे सर्वाइवल के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो है डेमोक्रेसी। इसीलिए डेमोक्रेसी के पक्ष में यूथ को ट्रेंड करने के लिए हमको सरकार 5 साल में बनेगी बदलेगी उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने आसपास लोगों को हमको डेमोक्रेटिकली ट्रेंड करने की कोशिश करना चाहिए, उनके भीतर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, उनको लॉजिकल और रैशनल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, मैं यही प्रपोज कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, 5 साल 10 साल के लिए कोई भी आ जाए, भाइयों बहनों कह करके वो कितना भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर ले, इस देश में डेमोक्रेसी का कोई विकल्प नहीं है। डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी रहेगी, इस बात को याद कर लीजिए। ये एक शौक होता है ना हमारी डेमोक्रेसी को मैच्योर होने के लिए, इस फेज की जरूरत थी, क्योंकि खुद को डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव लिबरल कहने वाले जो लोग थे उनकी हिपोक्रेसी पूरी तरीके से सरफेस पे आ गया था, पूरी तरीके से उनकी हिपोक्रेसी सरफेस पे आ गई थी। और उस हिपोक्रेसी के चलते जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसी पॉलिटिकल वैक्यूम का नतीजा है कि हमको इस तरीके का ऑथोरिटेरियन रिजीम का सामना करना पड़ रहा है। और इस ऑथोरिटेरियन रिजीम को और इसकी आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया है तो दुनिया का इकोनॉमिक क्राइसिस ने उसको सपोर्ट किया है। और दुनिया का इकोनॉमिक क्राइसिस ये है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के चलते जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी ज्यादा और इतनी तेज हो गई कि प्रॉफिट का क्राइसिस क्रिएट हो गया। प्रॉफिट के क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए ये एक नई व्यवस्था लेकर के आए जिसको इन्होंने कहा लिबरल रिजीम, ग्लोबलाइजेशन। अब अमेरिका का माल जो है वो बेंगलोर में मिलेगा और बेंगलोर का आदमी जो है अमेरिका नहीं जा पाएगा क्योंकि ट्रंप कहता है कि इमिग्रेशन लॉ को मजबूत कर दिया जाए, बाहर के लोगों को अंदर आने से रोका जाए। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इकॉनमी का, इस इकॉनमी के कॉन्ट्राडिक्शन ने इनकी कही हुई पुरानी बातों को आज लागू करने का मौका दे दिया है। ये मत सोचिए कि हिंदू मुसलमान भाजपा आज कर रही है, जब से पैदा हुई है तब से ही कर रही है। मैं भाजपा के पहले कॉन्फ्रेंस की याद दिलाता हूं आपको, हरियाणा में हुआ था, बड़ी बहस हुई, अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, कि मुसलमानों को बीजेपी का मेंबरशिप दिया जाए कि नहीं दिया जाए। फाइनल अमेंडमेंट हुआ कि मुसलमानों को भी बीजेपी का मेंबरशिप दिया जाए। याद कीजिए जब जनसंघ था तो जनसंघ में यह पहला शर्त था कि जो गैर हिंदू हैं वो जनसंघ के मेंबर नहीं हो सकते हैं। हिंदू मुसलमान ये अपने जन्म काल से करते रहे हैं, दंगा करवाना इनका बुनियादी पेशा है, और ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना जो सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंस हो, जो सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंट हो, उसके आधार पर ये हमेशा इमोशनल पॉलिटिक्स करते रहे हैं। मसलन मैं बिहार से आता हूँ, और कोई ये कहे कि अमुक व्यक्ति गाय खाता है तो सुन करके अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम गाय पालते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, तो कोई कहेगा कि ये गाय खाता है तो सुन करके बुरा लगेगा। इसको कहते हैं कल्चरल शॉक। इस तरीके का जो कल्चरल शॉक होता है, ये कल्चरल शॉक दे करके लोगों को इमोशनली ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि यह जो इमोशनली ऑर्गेनाइजेशन है अल्टीमेटली ये कितने देर तक टिका रहेगा। हरिशंकर प्रसाई ने बड़ी मज़ेदार बात कही है। प्रसाई जी लिखते हैं कि जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र चढ़कर बैठ जाता है तब गौ रक्षा करने वाले जूते की दुकान खोल लेते हैं। यह परसाई जी की लिखी हुई बात है। परसाई जी आज से कितना साल पहले यह बात बोल रहे हैं। वो पॉलिटिक्स आज अगर हमारे सर पर सवार होकर के बैठा है उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। और स्वाभाविक रूप से यूथ, जिसके कंधे पे किसी भी समाज को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो चेंजेज का व्हीकल होता है, जो बदलाव का वाहक होता है, उसको ट्रेंड करने का काम हमने नहीं किया है,
इस काम को हम अगर फिर से करना शुरू कर दें तो हम लोग तो बहुत स्वाभाविक जीत की तरफ खड़े हैं। स्वाभाविक जीत का मतलब ये होता है, मैं फिलोसफिकली और डायलेक्टिकली यह बात बोल रहा हूँ कि हम कुछ नहीं भी करेंगे तब भी बदलाव हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अगर हम जल्दी चाहते हैं तो कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू कर दें। और मैं आपको बतौर यूथ यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सुनने समझने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हमें ये ना कहें कि मूर्ख हो तुम, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। हमको ये कह करके इग्नोर करने की बजाय आप हमसे इंगेज करना शुरू कीजिए, और जो पॉलिटिकल क्वेश्चन आज हम रेज कर रहे हैं उसको आंसर करना शुरू कीजिए। हम उन तमाम नई चीज़ों को ऑलरेडी अपने लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल आज हमारे सामने उठ खड़े हुए हैं और लोग उन सवालों पर पूछना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यह जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, यह जो सिम्बॉलिक चीज़ें होती हैं, वो बहुत देर तक हमको हमारे रियलिटी से दूर नहीं रख सकता है। हम मानते हैं कि परसेप्शन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, लेकिन परसेप्शन आखिर परसेप्शन होता है, वो रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता है, रियलिटी को वो बदल नहीं सकता है। हम परसेप्शन में यह बात मान लें कि दिन नहीं रात है, कितना दिन तक माने रहेंगे? 5 दिन 10 दिन 12 दिन। जब भूख लगेगी और खाना की जुगाड़ में जब हम बाहर निकलेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि दिन है कि रात है? परसेप्शन की पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स एक लेवल तक सफल होती है, एक लेवल तक वो आगे बढ़ती है, लेकिन प्रोपेगेंडा आखिर प्रोपेगेंडा होता है, परसेप्शन आखिर परसेप्शन होता है। और रियलिटी ये है कि 100 में से 45 लोगों को आज कोई काम नहीं है। आप इंजीनियर बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप MBA कर लीजिए, आपके पास जॉब नहीं है। आप PhD कर लीजिए, आपके पास जॉब नहीं है। तो हमारी पूरी की पूरी लड़ाई नेता बनने की लड़ाई नहीं है। JNU जैसे इंस्टीट्यूट से PhD किए थे, चाहते थे कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और परसेप्शन के आधार पर जो सपना हमारे सामने सुख का और आनंद का गढ़ा गया है उसको जीने की कोशिश कर रहे थे, बाद में पता चला कि ये धोखा है, और उस धोखा के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए। और जब आप लड़ाई लड़ते हैं सच्चाई की, तो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। और इस आखिरी उदाहरण के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। अगर मेरी शादी होगी तो मुझे अपने घर में अपनी पत्नी के साथ डेमोक्रेटिक रहना पड़ेगा, वरना डिवोर्स हो जाएगा। यह बात आप मान लीजिए। रोज मेरे ही मन का खाना नहीं बनेगा, एक दिन उसके भी मन का खाना बनाना पड़ेगा। और उसका हॉबीज इम्पॉर्टेंट नहीं है और हमारा हॉबीज इम्पॉर्टेंट है, इस आधार पर फैमिली इंस्टीट्यूशन नहीं चलने वाला है। इसीलिए We are bound to be democratic। और जब हम फैमिली और सोसाइटी में डेमोक्रेटिक होंगे तो हमको स्टेट भी डेमोक्रेटिक चाहिए, अच्छा लगे या बुरा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा ने ह्यूमन साइकोलॉजी के इस पल्स को पकड़ा है, और ह्यूमन सोसाइटी के इस पल्स को पकड़ते हुए वो अपने भीतर जितना डेमोक्रेटिक होने का प्रयास करती है उतना डेमोक्रेटिक आज भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इस बात को मान लीजिए। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, क्या नरेंद्र मोदी जैसे बैकग्राउंड का आदमी किसी दूसरी पार्टी में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है? सिर्फ इस बात पे विचार कीजिएगा। मुझसे ज्यादा विरोधी शायद ही इस देश में कोई होगा उस व्यक्ति का। लेकिन यह बात मैं अब क्यों आपके सामने रख रहा हूं, यह बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि डेमोक्रेसी की हत्या करने वाले अपने परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए डेमोक्रेसी को एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, और जो डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं आज भी डेमोक्रेसी से बहुत दूर हैं। हम उस प्रोसेस को ईमानदारी से अपने लेवल पे लागू करना शुरू करें। यूथ नज़र बिछा करके बैठा हुआ है कि कौन उसकी बात ईमानदारी से करे, और जो बात करे, कहते हैं ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप बोलते हैं वो अपने जीवन में आप लागू करना शुरू कीजिए। स्वाभाविक रूप से लोग आपसे जुड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, नए तरह के कॉन्ट्राडिक्शन और बदलाव को हम एक्सेप्ट करना शुरू करें। और मैं समझता हूँ कि इस देश में डेमोक्रेसी की यह लड़ाई, यूथ को पॉलिटिकल कॉन्शियस बनाने का यह प्रोसेस, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करके ही हम कॉमरेड काकी लैया जैसे लोगों को
सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वरना यह भी एक रस्म अदायगी बन करके रह जाएगी कि 100 साल हुआ है और एक कॉमरेड की याद में एक सभा हुई है। मैं समझता हूँ कि सभा इस हॉल में ही बस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ऐसी सभाएं कॉमरेड काकीलैया के याद में कर्नाटका की गांव गांव शहरों शहरों में हो, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।